अब आइए चलते हैं अमरावती में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके अनुसार अमरावती की क्राइम व्यवस्था, अपराधीकरण। और सर ने पिछली बार बताया था कि 2021 में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो इन सारी चीज़ों का आने वाले लोकसभा चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा और पुलिस किस नज़र से देखती है सुरक्षा की दृष्टि से? सर बहुत जल्दी, शायद 2 महीने के अंदर ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अब आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अमरावती शहर की पूरी की चुनाव बिल्कुल निष्पक्षतापूर्ण और शांततापूर्ण निकले। अमरावती की जैसे बताया कि 2021 में भी यहाँ पर दंगा हुआ था और उसके बाद में जो अभी 2 साल से देश में पूरे माहौल है और अमरावती के अल्पसंख्यकों की संख्या देखते हैं, आपको क्या लगता है किस प्रकार से व्यवस्था रहेगी? लोकसभा चुनाव में शांततापूर्ण वातावरण में और निष्पक्ष वातावरण में हो, ये प्रशासन का एजेंडा है और इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और लोकसभा चुनाव जो इसके पहले भी हुए हैं शांततापूर्ण ही हुए थे, अभी भी आगे भी शांततापूर्ण ही हो, इसके लिए हम लोग काफ़ी सारे वर्कआउट कर रहे हैं। इसमें कई सारे तरीके के हम लोग कार्रवाई करते हैं, जो रिकॉर्ड पे के गुनहगार है या फिर रिकॉर्ड पे के जो क्रिमिनल्स होते हैं जो इलेक्शन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर शांतता भंग कर सकते हैं, ऐसे लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन किया जाता है। ऐसे लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो हद पार की उनको नोटिस देके उनको बॉन्ड ओवर किया जाता है और कोर्ट की परवानगी से भी कुछ लोगों को हद पार करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। और कुछ लोगों के ऊपर जो गंभीर गुनाह दाखिल है या जिनके ऊपर पहले रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को नोटिसेस देना, प्रिवेंटिव एक्शन करना, ये एक उसका भाग होता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जो पुलिस के ऊपर जवाबदारी दी जाती है, नाकाबंदी हो या पेट्रोलिंग हो और निष्पक्ष वातावरण में और शांततापूर्ण वातावरण में इलेक्शन हो, ये हमारी पुलिस फोर्स बिल्कुल तैयार है और वो शांततापूर्ण वातावरण में हम लोग इलेक्शन के लिए प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करेंगे। उसमें पैसा भी बहुत आता है चुनाव में, बहुत पैसा बांटे जाता है, कई बार पकड़े नहीं जाता, कई बार पकड़े भी जाता है, बाहर से भी पैसा इंपोर्ट होता है, ये सारे पैसों को रोकने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? ये जो व्यवस्था होती है जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ हमारी जो संयुक्त चेकिंग पथक भी होते हैं, नाकाबंदी भी होती है शहर में और जहाँ जहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो चेकिंग जो शहर में नाकाबंदी होती है, शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी की जाती है, इसमें कोई भी अवैध रूप से अगर कोई कैश लेकर आ रहा है या विदाउट परमिशन कैश लेके आ रहा है और उसके लिमिट के ऊपर से कैश लेके आ रहा है, तो उसे जो है कैश को पुलिस ये जब्त करती है और संबंधित विभाग है, फिर इनकम टैक्स विभाग है और रेवेन्यू के विभाग है, सेल्स टैक्स के विभाग है, सभी को उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और वो जब पूरी जानकारी करते हैं उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई भी संबंधित व्यक्ति पे की जाती है। तो ऐसा कोई भी अगर प्रलोभन देता है या कोई इलेक्शन में किसी को इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करता है तो उसकी कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट के पास या कलेक्टर ऑफिस में उनके पास आती है, तो निश्चित उस पर कार्रवाई की जाती है। और हमारे ओर से भी चेकिंग करना, प्रिवेंटिव एक्शन करना, ये सब चीज़ें, ये सब बातें की जाती है। क्या चुनाव की शिकायत के लिए कोई अलग से कुछ आपका यूनिट रहेगा या चुनाव की शिकायत वो कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट में करनी पड़ेगी, चुनाव अधिकारी के पास करनी पड़ेगी? कई बार पुलिस वाले बोलते थे हमारा काम नहीं, आप चुनाव अधिकारी के नहीं, पास नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। जब कोई भी तकरार पुलिस स्टेशन में आती है, 112 पे आती है, उस पेपर पर एक्शन लिया जाता है और कई सारे लोग कमीशन को या जिलाधिकारी को भी तकरार करते हैं तो वो भी उनके ओर से जो डायरेक्शन आते हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी तो इलेक्शन कमीशन भी इतना पारदर्शक हो गया, उनका खुद का अपना वेबसाइट है, ऐप है, वो सभी के ऊपर लोग कंप्लेंट कर सकते हैं तो वो तुरंत एक्शन ली जाती है उसके ऊपर। तो लोगों के अवेयरनेस के लिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ऐप्स बनाए हैं और उनका वेबसाइट भी है और कलेक्टर ऑफिस का भी डायरेक्ट लिंकेज है, तो कलेक्टर के पास जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके पास कंप्लेंट होती है तो तुरंत पुलिस के रिलेटेड जो भी बातें होती है उस पर एक्शन लिया जाता है। अरे शिकायत कहीं से कुछ भी करना पुलिस को ही काम है, उसका निराकरण पुलिस को ही करना है। हाँ, मतलब जो क्राइम के रिलेटेड है, जो पुलिस के रिलेटेड जो शिकायत है उस पर डेफिनेटली पुलिस एक्शन लेगी और जो कायदा है, कानून का IPC है, PR एक्ट है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अपराधी लोगों का राजनीतिक लोगों में कितना महत्व होता है और किस प्रकार से आप उसको कंट्रोल करते हैं? क्योंकि कितने भी लोग तड़ी पार करो लेकिन फिर भी कई अपराधी जो शराइत गुनहगार नहीं है या कहो कि आपके लिस्ट में नहीं है लेकिन अपराध करते हैं,
तो उनका भी दबाव रहता है वोटिंग के लिए, वोट ना करने के लिए करने के लिए दबाव बनाया जाता है, ऐसे में कंट्रोल किस प्रकार से? इस टाइप के जो भी लोग हैं, जो अगर कोई किसी को डरा धमकाते हैं या प्रलोभन देते हैं या कोई किसी वोटर को दबाव देता है, तो वो व्यक्ति की अगर हमारे पास खबर आती है और हमारे भी सोर्सेस से हमें पता चलता है इंटेलिजेंस से ऐसा कोई कर रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और अभी से जो प्रिवेंटिव एक्शंस शुरू की गई है या जो करने वाले हैं हम लोग जो इलेक्शंस के दरमियान, तो वो सभी जो भी ऐसे तबके हैं जो रिकॉर्ड पे गए क्रिमिनल्स है, तड़ी पार है या जो भी हद पार किए गए रिकॉर्ड पे गए क्रिमिनल्स है, सभी पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उसमें अवैध दारू बेचने वाले हो, अवैध धंधे करने वाले हो, अवैध कोई जुगाड़ मटका चलाने वाले हो, अवैध जो भी धंधे करने, जो भी अवैध व्यवसाय करने वाला जी, जो इलेक्शन में किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई हिम्मत कर रहा है, ऐसे हर व्यक्ति के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। और वो कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में या कोई भी इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब ना कर पाए, ना कर सके, इस तरह की कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। बाहर से हथियार भी बहुत इंपोर्ट होते हैं, शहर में आते हैं, गांव में बहुत सारे हथियार भी है, तो इसके लिए भी कोई ऑपरेशन रहेगा इलेक्शन से पहले? ये तो कॉम्बिंग ऑपरेशंस है या हथियार ढूंढना है, हथियार को वापरने वालों को कार्रवाई करना, ये सब हमारे प्रिवेंटिव एक्शंस का एक पार्ट है। जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है डिपार्टमेंट को, लोगों को, कार्रवाई तो करती है, कोई ऐसा लेकर घूम रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है पुलिस को अलग अलग सोर्सेज से, इस पर कार्रवाई की जाएगी। और कोई किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस किसी लोगों को डराने धमकाने के लिए करता है, तो संबंधित व्यक्ति पे कड़क कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। और ऐसा कोई भी वाकया नहीं होगा, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है इस ऐसे सभी बातों को निपटने के लिए। कई बार होता है कई अपराध होते हुए दिखता है लेकिन शिकायत नहीं रहती, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, क्या चुनाव के दौरान ऐसा पुलिस सुमोटो खुद का कर सकती है? या कहीं ऐसा रहे कि भाई अपराध हुआ लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ तो छूट गया, पुलिस वालों पे कभी कार्रवाई होती है कि क्यों नहीं अपराध दर्ज हुआ करके? नहीं नहीं, सार्वजनिक ठिकान पे कोई अगर कायदा हाथ में लेता है तो पुलिस भी शिकायत देकर उस पर गुनाह दाखिल करेगी, और अगर कोई बंद दरवाजे में भी कुछ करता है और उसकी बातें छुपाता है तो भी उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बट उसकी जैसी जानकारी आती है, अगर वो फिरियादी भी अगर फिरियाद देने से डर रहा है जी, तो जी, उसको आश्वस्त कर दे कि हम लोग पुलिस कानून आपके साथ है, कि फिरियादी फिरियाद करने से डरता नहीं, नहीं, नहीं लेकिन दिखते रहता, सबको दिखते रहता, और दूसरा आदमी बोले मैं बीच में क्यों पढ़ूं। इस प्रकार से मैं लोगों से भी आह्वान करता हूं कि कोई भी किसी के प्रलोभन में आए या किसी के दबाव में ना आए, पुलिस को खबर दे तुरंत, और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, उसको डायरेक्ट वरिष्ठ अधिकारियों से, मुझसे हो या हमारे DCPs हो, इनसे आके संपर्क करें, जिससे उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और उसके ऊपर जो भी अन्याय या कुछ अत्याचार हुआ है या होने की शंका है उसे, उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये मैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट कटिबद्ध हैं और कार्रवाई निश्चित रूप से होगी ऐसे व्यक्तियों। आने वाले चुनाव में अपराधियों को, राजनेता को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अलग अलग तीनों का? संदेश सभी को एक ही है कि कानून का पालन करें, कानून का व्यवस्था बनाए रखे सभी लोगों ने, और जो आपराधिक तबके हैं उनके ऊपर तो पुलिस खुद होकर एक्शन लेने ही वाली है और लेगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी अपराधी है अपने अपने जगह पे शांत हो जाए और कोई अपराध करने की सोचे भी नहीं, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा कोई करने के लिए उत्साहित है या खुद होकर कुछ करने की गड़बड़ में तैयारी में है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि कड़क कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हमारी उसके ऊपर सारी तैयारी हो चुकी है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं, शांतता से इलेक्शन का वातावरण हो और शांतता से इलेक्शन का कंडक्ट किया जाए, इसके लिए पुलिस अमरावती शहर की पुलिस अमरावती शहर में शांतता और सुव्यवस्था रखने के लिए तैयार है। बाहर से भी कुछ यूनिट आप सपोर्ट के लिए बुलाओगे? अमरावती के जितने यूनिट है उसमें काम हो जाएगा लोकसभा का? नहीं, ये तो इलेक्शन का पार्ट है, उसमें जो भी हम लोग एडिशनल फोर्सेस मांगते हैं वो फोर्सेस हमारे लिए उपलब्ध होती है, फिर वो सेंट्रल फोर्सेस हो या स्टेट के फोर्सेस हो, वो मिलती है और वो काफ़ी है।
यथा आयुक्त साहब आने वाले चुनाव लोकसभा के निश्चित दो महीने आज से समय अप्रैल पिछली बार 16 अप्रैल को चुनाव हुए थे, 16 से 20 अप्रैल या 16 से 30 अप्रैल के बीच में चुनाव हो जाना चाहिए, 15 से 30 अप्रैल के बीच में, ऐसा लगता है ना, आज से दो महीने में आपराधिक लोगों के ऊपर निश्चित रूप से शिकंजा कसेगा। आपराधी लोग जो भी है, जो तड़िपा रहे हैं, जो आज भी शहर में घूम रहे हैं, उनको भी अपनी जगह बना लेनी पड़ेगी, और ऑलरेडी जिनके पास में ऐसे कोई हथियार वाले गुने हैं, ये भी जितने अपराध दर्ज हो, ऐसे सारे लोगों पर अभी दो महीने, हालांकि सर ने बताया कि सारा हमारा काम चालू हो चुका है, कई लोगों पे जो कार्रवाई करना कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि दो महीने बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पूरा। तो और जनता से भी अपेक्षा है कि आने वाले चुनाव में प्रशासन को सहयोग दे, किसी के प्रलोभन में ना आवे, अपने निडरता से पुलिस आपके साथ में है और पुलिस का उपयोग लेवे, पुलिस आपके साथ में हमेशा है, ऐसा हमारे माध्यम से आज सीपी साहब ने आपको संदेश दिया है, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।